शिमला जिला के रामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक की वास्तविकताओं से लोगों को अवगत कराने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि किस तरह से CAA का दुष्प्रचार कर लोगों में संशय पैदा कर राजनीतिकरण हो रहा है। इस दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। शिमला जिला के रामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक की वास्तविकताओं से लोगों को अवगत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया कि किस तरह से CAA का दुष्प्रचार कर लोगों में संशय पैदा कर राजनीतिकरण हो रहा है। इस दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम को सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। नागरिकता जागरूकता सम्मेलन के अवसर पर रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में साधु महात्माओं के साथ विश्व हिंदू परिषद के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उसके दौरान मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रांत संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद अजय श्याम ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर विस्तार से अपनी बात रखी। अजय श्याम भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि हिंदू जागरण और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में सम्मेलन किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो मात्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जो प्रताड़ना का शिकार है उन्हें नागरिकता देने के बारे में प्रयास किए गए हैं। 1951 के UNO के रेफ्यूजिकल मेंशन में भी साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी देश में कोई ऐसा समूह जातीय, नस्लीय, आर्थिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होता है तो दूसरे देश की शरण ले सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो मात्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ के शरणार्थियों को, और 1951 की UNO की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसमें साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि किसी देश में कोई ऐसा समूह जो नस्लीय, जातीय, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होता है तो वह दूसरे देश की शरण ले सकता है। उस नाते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटी जो हिंदू ओरिजिन के लोग है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है, ईसाई है, इसी देश से वहां विभाजन के बाद चले गए थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको यहाँ नागरिकता देने का उसमें प्रावधान है। और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ गए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। उसमें किसी प्रकार से किसी देश के, इस देश के किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन इस देश के अल्पसंख्यक समाज को अपने राजनीतिक नीत स्वार्थार्थ कुछ राजनीतिक दल उनको भड़का रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। इस तरह से देश के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और देश को हिंसा की आग में धकेला जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।